अलावा हम कुछ कर नहीं सकते, जैसे भी हमारा जो भी टाइम चल रहा है अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए अपने को। फैमिली के साथ हम क्रिकेटर्स के लिए इतने सालों से इतना आसान नहीं था फैमिली से दूर रहना। हर तीसरे चौथे दिन हम टूर पे चले जाते थे घर आने के बाद। तो आई थिंक ये एक टाइम है जहाँ पे हम अपने घर घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल मैंने आपका वीडियो देखा अभी रिसेंटली। डैड को इतना मत नचाओ यार, घुटना उठना टूट जाएंगे भाई। नहीं, डैड यंग है यार अभी डैड जब यंग है। से गुड़गांव शिफ्ट हुए, जब से पूरा रेस्ट ही कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करा देते हैं उन्हें। नहीं, अच्छा है। मैंने आपका वीडियो भी देखा यार, अपने कुत्तों के साथ आप खेल रहे हो। अच्छी चीज है ये भी। अच्छा, आई मीन या भी क्योंकि काफी मेरे लिए भी काफी टाइम के बाद मैं घर स्पेंड टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो क्योंकि हाँ मुझे भी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उससे पहले तो मैं वैसे अकेला रहता था, तो जी आई थिंक ये टाइम है भैया, क्योंकि थोड़ा करें हम भी, और स्पेशली क्योंकि बाहर जा नहीं सकते जिस हिसाब से चल रहे हैं। जी। और आप क्यों कर रहा हूँ यार, तेरे को मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे। रिस्पेक्ट है भैया, रिस्पेक्ट है, दिल से आ रही है वो वाली रिस्पेक्ट आप लाइफ में कर नहीं सकते ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लाखों लोग कैमरा लेके बैठे हैं, कैप्चर कर हाँ यार लेंगे बिल्कुल। वो जब कैमरा सामने चालू रहता है ना ऐसे, तो पता नहीं वो या जी तुम आप क्या कर जैसे रहे हो क्या नहीं जैसे कर रहे हो। जैसे फेमस हुआ था, भाग पुजी भाग अरे बोल मत, यहाँ पर चुपचाप रहे भाई। अच्छा एक और बात, मेरे को पता है यार, अपने आप को फिट रख रहा है कि नहीं, कुछ कर रहा है फिटनेस के लिए या अभी ऐसे तो भैया मैं कर नौकरी रहा हूं, पर और। अभी मैं 1-2 दिन से वापस रूटीन में आऊंगा, तो हाँ मतलब स्टार्ट में जो भी होता है, तो फिर अपना जो लोग देखेंगे जिम वगैरह के, मतलब जिम तो है नहीं, पर अपना जो भी नॉर्मल वर्कआउट हो सकता है, मतलब एक्सरसाइज वगैरह, तो वो मैं अभी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि काफी टाइम के बाद थोड़ा सा रेस्ट मिला है, तो फैमिली का टाइम थोड़ा नहीं, नहीं स्पेंड नहीं कर रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, जरूरी है जरूरी है। अच्छा टाइम यूज करो यार। हम भी मतलब काफी जो जो चीज हम एज अ फैमिली पहले नहीं कर पाते थे क्योंकि टाइम कम होता था, तो जो जो इम्पोर्टेंट चीजें थे वो करते थे। अभी क्या है, अभी हम लोग बैठ के साथ में टीवी देख रहे हैं, साथ में खेल रहे हैं समयरा को लेके, और बिल्कुल, काफी कुछ चीज यार। मतलब अभी मैं क्या बताऊँ यार, पूरा दिन हम खेलते ही रहते हैं। ये तो और भैया फिलहाल हरियाणा में अभी कैसा माहौल है, सब ठीक है वहां पर? अभी तो भैया है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को थोड़ा सा कीड़ा तो रहता ही है कि बाहर घूमने का, तो सामने यार मेरे तुम्हारे पास जैसे लोग को खड़ा होना चाहिए और भैया जिस बोलना हिसाब से, चाहिए। क्योंकि जो सामने से क्योंकि जो सामने तभी से हाय बाबा, रिमेम्बर मी समायरा छोटे छोटे इसमें ना स्पेशल अपीयरेंस देने वाली है। हाँ वैसे ये इसकी अपीयरेंस आपसे बड़ी है, तो प्लीज आप हट सकते हैं, तो मैंने देख लो हाय हाय समायरा, हु हाय, यू प्लेइंग विद? माइनर लूसी। फ्लाइंग समायरा किस, इज प्लेइंग विद लूसी। ओ तुम्हारा फ्लाइंग गुड, आर यू, ओ यू तो यार मैं ये बोल रहा था कि तेरे को अपने बालकनी में खड़े होकर उनको चिल्लाना चाहिए, बोलना चाहिए भाई घर पे जाओ यार, नहीं वहां तक मतलब जाता नहीं, इमरजेंसी लेकिन हो, मैंने इमरजेंसी सिक्योरिटी हो। हमने सिक्योरिटी गार्ड को बोला, और जिन अंकला घर रहे हैं वो डैड को जानते हैं, तो उन्होंने जाके स्पेशली पार्क में जाके उन लोगों को हाँ बोला कि प्लीज, क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आता, उनको अच्छा लगता है यार, कि लॉकडाउन का मतलब उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि एक ऐसा वायरस है भैया कि आप अगर किसी से मिल भी रहे हो ना, तो आपको हो जाएगा, और अगर आपको हुआ तो आपको पता नहीं लगेगा, तो आप घर आओगे तो आप अपनी पूरी फैमिली को डेंजर्स में डाल रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि तभी 21 डेज का किया है, वरना तो ऐसा अगर इतना सीरियस होता नहीं, कितने दिन का? 20। 21 डेज का डेज का देखो पता है प्रॉब्लम क्या है, मैं वाईफाई इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि सब लोग घर पे बैठ के वाईफाई यूज कर रहे होंगे तो यार तू भी यूज कर ले वाईफाई। फिलहाल तो वो थोड़ा मैं स्लो तेरे हो जाता को है। बॉम्बे का दिखा, थोड़ा सा यहाँ पे लोग बाहर दिख रहे मुझे, बट यार ये आई थिंक
must be some sort of emergency or something. ऐसा कुछ होता है मेरे हिसाब से, ऐसे ही होना चाहिए. अच्छा मेरे लिए, मुझे आप देख सकते हैं एक दो गाड़ियां दिख रही है. बट फिलहाल बॉम्बे मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं देखा है, इतना शांत. ये तो एक साइड है, वो दिख रहा है चल. नेटवर्क ठीक कर यार अपना तू भैया, आपका है आपका, मेरा तो परफेक्ट चल रहा है, परफेक्ट. ठीक है. अभी तो मैं बैल्कनी में था, अभी मैं अंदर जा रहा हूँ. हाँ, इस वजह से थोड़ी रुक रहा है. अच्छा भैया, एक चीज पूछनी थी मुझे, जी एक क्वेश्चन बताइए. था. ये आईपीएल कब स्टार्ट हो हाँ रहा है? ये आईपीएल आईपीएल कब स्टार्ट हो रहा यार, है? सबको आईपीएल के बारे में ही जानना है. अभी फिलहाल देखो यार, आईपीएल मुझे तो नहीं पता यार, मैं तो डिसाइड नहीं करता. बट फिलहाल हम सब सारे क्रिकेटर्स को क्रिकेट खेलना है, बहुत कुछ खेलना है. बट अभी फिलहाल तो अपने को ध्यान में रखना चाहिए जो अभी कंट्री में चल रहा है, हमारे बिल्कुल इन भैया, और सारे कंट्रियों में. पहले वो सब ठीक हो जाए, जो लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं वो सब ठीक हो जाए. एक बार वो सब ठीक हो गया उसके बाद आई थिंक लाइफ नॉर्मल हो जाएगा. बिल्कुल भैया, तो और उस वो होने के लिए हम सबको डिसिप्लिन होना पड़ेगा. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, मेरे बालकनी में खड़े रहो और चिल्लाओ जो भी बाहर दिख रहे हैं. मैं फिलहाल 29th फ्लोर पे हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ से नीचे नहीं चिल्ला सकता. बट अगर होगा तो मैं चिल्लाऊंगा. तो आप एक काम करो ना, एक पेपर लो, उस पे लिखो और अपने बालकनी से फेंकते रहो. नहीं यार, कचरा कहाँ फेंकने की बात तो वैसे आप घर पे रह रहे हो, तो लोग. मतलब आपने साफ सफाई, बर्तन धोना वगैरह तो सीख लिया होगा थोड़ा बहुत, तो हाँ मैं भाभी कर का रहा हूँ रेस्टोरेंट. यार, जो भी अभी घर साफ सफाई. अभी मैं केविन पीटरसन से बात कर रहा था इसी चीज के बारे में. मैंने उसने मुझे देखा, मैंने 12 बजे सुबह मैसेज किया था, उसका रिप्लाई मैंने 2:30 बजे किया. वो मुझे बोल रहा है भाई ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन में तू कहाँ 2.5 घंटा बिजी था, क्या कर रहा था भाई. तो मैंने उसको समझाया कि यार घर वर साफ कर रहा था, ये सब मौका कभी मिला नहीं है, तो सीख रहा था घर कैसे साफ करते. कहा भाभी कपड़े कैसे धोने हैं, तुम्हारे हाँ भी कपड़े बिल्कुल, कैसे धोने हैं. हाँ सब लॉन्ड्री वॉन्ड्री कर रहा हूँ, यही मेरा फिटनेस है एक्चुअली. अभी देखा जाए तो यहाँ वहां से मायरा के पीछे भाग रहा हूँ, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ. तो यही थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है हो रहा है. पर एक अच्छा ना भैया, जो जिनकी शादी हो चुकी है उनके अच्छा की फैमिली बच्चों का टाइम मिल रहा है. हाँ मैं वही, उसने मुझे यही चीज पूछा था कि यार सबसे ज्यादा कौन तड़प रहा होगा बाहर जाने के लिए अभी. तो मैंने उसको तेरा ही नाम लिया. मुझे पता है कि जो लोग शादीशुदा है, जिसने जिसकी शादी नहीं हुए वो लोग का तो भाई पता नहीं क्या हो रहा होगा. जो शादी है वो अपने बीवी, जो शादीशुदा लोग हैं बीवी के साथ घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, यहाँ वहाँ मस्ती कर रहे हैं. बट जिन जो लोग अकेले हैं, अपना सर दीवार पे मार रहे वो आजकल वो शादी के लिए किसी को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, अरे मुझे इक्कीस दिन बहुत का लोग यहाँ पर लॉकडाउन है. मैसेज कर रहे नीचे, यहाँ पूछ रहे कि चहल चहल का थोड़ा क्रिकेट के बारे में बात करो. चहल सो मैं क्या, आई मीन सी अभी यार, आई वाज वेरी यार मच ये लुकिंग हमारे लिए भी फॉरवर्ड. एक हॉलीडे है, तो क्रिकेट के बाद अभी हम इक्कीस दिन चहल बात करेंगे. या भैया, लिसन टू मी, नाउ वी स्पोक इन हिंदी इनफ, टाइम फॉर अस टू टॉक इन इंग्लिश नाउ. ओके ओके भैया, ब्रिंग इट ऑन. ब्रिंग इट ऑन. मैं तराक ये पूछना चाह, आई वाज आस्किंग, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू गाइस टू प्ले अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. अभी वो भी दैट दैट गॉट कैंसल्ड. द न्यूजीलैंड सीरीज डिडंट गो वेल फॉर अस, बट व्हाट वाज समथिंग दैट यू वर ट्राइंग टू चेंज इन दिस साउथ अफ्रीका सीरीज इन योर बोलिंग? आई थॉट यू बोल्ड रियली वेल. यू at different point in the game you brought the team back into the winning position, but hum logo finishing line cross nahi kar sake. But what was something that something new that you were trying to do ye South Africa series mein? I think in New Zealand, in 2 matches, I took 6 wicket. But I'm just waiting for the one winning spell. You know that if you take like 2 or 3 wicket, Like but one in Australia, you, you did one in Australia, 6 wickets. yeah, in Australia, I took six wickets. So I'm missing that spell because it's been so long.
I'm taking yes. 1, 2, 3 wickets, but I you can understand. That, okay. You want that bigger figure? Yeah, I want not a bigger finger, but like even in the last T20, last ODI game in New Zealand, I took 3 wickets in 7 overs. But I think that time in like 1 over, I tried so much. I was like, you know, running behind the wicket. Okay, I want to get him out. But you know, sometimes you have to be patient and you have to like, you know, bowl like you bowl to top order batsmen. So I think I was planning to in the New South Africa series, I have to change a little bit this. There is a question from Ritika. How are you managing without Ro for so long? Jesus. Bhabhi, वो तो अभी मुंबई हैं वरना अगर यहाँ होते तो आप वो बाजू में इधर ही होते. But again, there is another question which people are asking me is how come Chahal is friends with all these international players so much and not with Indian players so much? मतलब उनको लग रहा है कि तेरा bond जो है ये Chris Gayle, AB de Villiers, Colin D. Grandhom, Tim Saudi और कौन क्या वेस्ट सारे वेस्ट इंडियन ये सब से तेरी दोस्ती ज्यादा है और हमारे लोग हमारे से ज्यादा नहीं है बट मेरे साथ तो है यार क्या है नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरा सबका पूरी टीम में देखो तो मतलब आईपीएल में प्लीज एक्सप्लेन कि एक्चुअली क्या होता है ना आईपीएल में क्योंकि मेरी आदत है लेट तक सोना और वो आते तो उनको जेट लैग लगा होता है तो मतलब इतने लेट तक आप हाँ नहीं मतलब मैं सोता हूँ मतलब 1-2 बजे तक सोता हूँ और वो भी तब तक जाग रहे होते हैं मोस्टली अपने इंडियन प्लेयर सो जाते हैं 11 बजे 11:30 बजे तो एक्स्ट्रा जो 1.5-2 घंटा उनके बाद में बैठता हूँ 11:30 बजे खत्म होता है मेरे भाई हाँ तो उसके बाद में नॉर्मली बता रहा हूँ भैया अगर अगर जैसे ऑफ डे होता है या कैंप्स होते हैं मतलब स्टार्टिंग जो होता है तब भी होता है जो एक्स्ट्रा 1.5-2 घंटा होता है ना बस वही है उनकी तरफ थोड़ा बॉन्ड ज्यादा है बस वो और कुछ नहीं है चलो ठीक है मैं एक्सपोज नहीं करूंगा आपको ज्यादा मत करो नीचे फैमिली देख रही है अच्छा तो आपका बैंड कब बज रहा है फिर कुछ है उसके बारे में कुछ बताइए जरा कुछ अभी तो पहले कोरोना वायरस खत्म करते अभी तो जो है इसने बैंड बजा रखा है फिर जो हम मिस कर रहे हैं थोड़ा क्रिकेट खेल इसको इसको यार इसको मजाक में मत लो यार सीरियसली नहीं नहीं क्योंकि कई लोगों का मैंने देखा है मैंने कई वीडियोस देखे हैं मतलब वो कहते हैं कि हाँ कोरोना वायरस हमारे क्या कर देगा तो इवन ये तो अभी थोड़ा पुलिस ने जो बहुत अच्छा काम किया है कि वो आजकल बैटिंग कर रही है पुलिस हमारी जो भी मिलता है तो उसको सीधा घर पे छक्का मार रहे हैं तो आई थिंक ये चीज बहुत अच्छी चीज करी है हमारे पीएम ने कि पूरा क्लोज कर दिया है क्योंकि अगर आप चीज लॉकडाउन से ही खत्म हो गया यार हाँ क्योंकि आप इटली देखोगे यूएस देखोगे मतलब वहां पे केसेस बढ़ रहे हैं डे बाय डे बिल्कुल तो आई थिंक अगर 21 डे में अगर हम 30-40% भी कम कर दें तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग हाँ यार बस हम लोगों को थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा एंड बस स्टे होम यार एज सिंपल एज दैट यस भैया युजवेंद्र चहल जैसा आदमी घर में है बड़ी ताजुब की बात है हम मेरे लिए तो क्योंकि मैं जानता हूँ उनको बहुत अच्छे से घर बैठना पसंद नहीं करते अगर उसके जैसा आदमी घर बैठ रहा है तो बाकी लोग भी बैठ ही सकते हैं यार क्योंकि इसी के साथ हम ये कॉन्वर्सेशन एंड करेंगे चहल टीवी तो फेमस है ही बट चहल टीवी सिर्फ बीसीसीआई के ऑनर होगा यहाँ पे अभी घर में बैठे बैठे हम यहाँ पे आते आते यस बिल्कुल भैया बिल्कुल चले आप जाइए आपका खाना डिनर बनाने का टाइम हो गया होगा आटा वगैरह नहीं अभी डिनर बन चुका है हमारा हमने मिलके बना लिया था बट चल नाइस टॉकिंग टू यू गुड सीइंग यू भैया आई विल सी यू सून तंदुरुस्त रहो और ध्यान रखो घर वालों का आसपास वालों का बाहर मत वैसे एक और क्वेश्चन है आपका पुल शॉट के लिए जहां से पावर आता है आप थोड़ा वो बढ़ गया या कम हो गया पुल शॉट तो यार तुमको पता ही है भाई मैं अगर नींद से भी उठ के आऊंगा तो मार दूंगा जहाँ से पावर आता है वहां की पावर तो सब जगह से आता है भाई हाथ से आता है कोर से आता है और सबसे ज्यादा यहाँ से आता है बिल्कुल भैया चलो चलो भाई भाभी और तुम्हारे को प्यार बोलना विल सी यू सून भैया बहुत जल्दी बात करेंगे बिल्कुल डन भैया बिल्कुल डन सी यू भैया बाय टेक केयर बाय बाय